हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिज़ाइन है। ये जो आज का डिज़ाइन है मेरा इंडियन है, बट प्योर मैं इंडियन या ट्रेडिशनल नहीं बोल सकती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा फ्लोरल मिक्स किया है ताकि फ्लोरल का अच्छा लुक आए। तो मेरी डिज़ाइन मैंने स्टार्ट कर दी है, सो आप लोग देख सकते हो कि मैंने लीव्स का क्रिएशन किया है। तो अभी मैं बॉर्डर का इस तरीके से ब्रॉड कर रही हूँ। इस तरीके से आपको बॉर्डर को हाईलाइट करना है धीरे धीरे करके। तो हम लोग आगे देखते हैं, धीरे धीरे मैं अभी फिलअप स्टार्ट करूँगी। ये जो डिज़ाइन है मैंने ऑलरेडी पहले पूरा ड्रॉ कर लिया है, और आज के डिज़ाइन में मैं ओनली केवल फिलअप कर रही हूँ। सो इस तरीके से आपको स्केल्प, बड़े स्केल्प यूज़ करने हैं, और बॉर्डर को थोड़ा ब्रॉड करके फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे पतली सी लाइन ली है, डबल लाइन ड्रॉ करके मैं स्केल्प ड्रॉ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि फिलअप के लिए आप जितना हो सके बारीक कोन ही यूज़ करें। अगर आप थोड़ा सा जो मोटा कोन यूज़ करते हो तो उससे आपकी जो डिज़ाइन है वो पूरी बड़ी बड़ी निकलेगी, और जो फिनिशिंग हम लोगों को प्रोफेशनल लेवल की जो फिनिशिंग चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। सो आप देख सकते हो कि मेरा जो पॉइंट है कोन का वो बहुत ज़्यादा बारीक है, इस वजह से मेरी जो डिज़ाइन है वो एकदम बारीक बारीक यहाँ पे निकल रही है। फिर इस तरीके से आपको शेप का बॉर्डर देना है। बॉर्डर आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर रही हूँ ताकि मेरी डिज़ाइन जो है अच्छे से हाईलाइट हो। फ्लावर मैंने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर हम लोग जिगजैग का नेट का फिलअप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सेंटर लाइन से जिगजैग स्टार्ट किए हैं। या आप जितना हमेशा सेंटर लाइन से आप जिगजैग या कोई भी नेट की डिज़ाइन स्टार्ट करोगे वो आपकी परफेक्ट आएगी। तो जिगजैग की जो डिज़ाइन है मैंने सेंटर लाइन से स्टार्ट की है, वो आप देख सकते हो इस तरीके से कि सारे एकदम क्लियर आया है। तो ये जो है मेरा रोज़ का फ्लावर है। यहाँ पे हल्का सा मैं कोन को थोड़ा सा उठा के चला रही हूँ, तो धीरे धीरे इसमें आपको शेड करना है। अगर एकदम जो परफेक्ट शेड चाहिए आपको सो आप ईयरबड्स से भी आप कर सकते हो, बट इसका जो मेरा है थोड़ी मुझे लाइनिंग भी इसमें शो करनी है, इस वजह से मैं लाइन वाला जो शेड है वो आज इसमें मैं रोज़ के फ्लावर में ले रही हूँ। इस तरीके से हल्का हल्का को शेड देना है। अगेन हम लोग लीव्स करेंगे। लीव्स में मैंने 4-4, 5-5 लाइन की जो डिज़ाइंस है वो यूज़ किए। आप चाहो तो पूरा फिलअप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे जो लीव्स के फिलअप होते हैं वो बहुत सारे आप क्रिएट कर सकते हो। डार्क लाइट, हाईलाइट जैसे करने आपको उसके हिसाब से आप कर सकते हो। पूरा लीव्स का डिज़ाइन क्लियर होने के बाद आपको एंड में बॉर्डर देना है। अभी हमने रोज़ का फ्लावर का जो बॉर्डर था वो क्लियर किया है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा जो पार्ट है यहाँ पे मैं नेट का डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर बहुत अच्छा हैवी फिलअप आता है तो आप यहाँ पे फिलअप का यूज़ कर सकते हो, या आपने अपने हिसाब से आप बहुत सारी नेट के या ग्रिड लाइंस के जो डिज़ाइंस है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आज मैंने ट्राई किया है कि मैं कुछ थोड़ा शेड और कुछ डार्क लाइट का इसमें नेट यूज़ करूँ, तो मैं आज यहाँ पर कुछ जो बॉक्स है उसमें मैं डार्क पार्ट हाईलाइट कर रही हूँ, और कुछ पार्ट में मैं थोड़ा शेड का हाईलाइट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो है थोड़ा फास्ट है, तो एक एक बॉक्स मैंने आपको करके बताया है, उस तरीके से आपको सारे नेट के फिलअप करने हैं, बिकॉज़ वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा डिटेल में नहीं बताया है। यहाँ पे देखो बॉर्डर को इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, जो ब्रॉड लाइन है। अगेन आपका जो रोज़ का फ्लावर है उसमें धीरे धीरे शेड करना है। ध्यान रहे कि शेड जो है आपका घिसा हुआ नहीं आना चाहिए, बिकॉज जब आप हैंड पे शेड करोगे तो वो कलर नहीं आएगा। तो थोड़ा आपको कोन उठा के चलाना है और शेड को एकदम अच्छे से हाईलाइट करना है। पीकॉक का नेक का पार्ट जो है आपको पहले से ही क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही आपको फिलअप स्टार्ट करना है। और जिन लोगों को फिलअप्स में प्रॉब्लम है या फिलअप की डिज़ाइन याद नहीं है, तो फ्रेंड्स मेरा फिलअप का एक वीडियो है, मैंने बहुत पहले ही डाला हुआ है कि आपको फिलअप के कौन कौन से डिज़ाइन जो है वो
करने हैं फिलअप में। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है जो मैंने बताए हैं, पहले आप उनकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको सारे फिलअप के जो डिज़ाइंस है वो आपको इस तरीके से शेप में ऐड करने हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाई थी, बिकॉज थोड़ा लॉकडाउन का इशू था, मेरे क्लासेस की भी प्रॉब्लम थी। मेरा क्लासेस जो है वो ऑफलाइन स्टार्ट था, इस वजह से टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था। सो इस वजह से मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रही हूँ। सो मैं बोलती हमेशा हूँ आप लोगों की मैं ट्राई करूँगी रेगुलर वीडियोज़ डालने का, बट हो नहीं पाता है बिकॉज टाइम इशू बहुत रहता है। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा डार्क पार्ट लिया है, सर्कल्स लिए, पूरे सर्कल को मैं हाईलाइट करूँगी डार्क पार्ट से। साइड साइड में इस तरीके से मैं डार्क पार्ट का यूज़ कर रही हूँ ताकि वो जो सर्कल है वो अच्छे से हाईलाइट हो। इस तरीके से बॉर्डर को मैंने क्लियर किया है। उसके बाद अगेन वापस बॉर्डर पे मैं एक लाइन ऐड करूँगी। बारीक बारीक यहाँ पे मैं स्केल्प का यूज़ कर रही हूँ और फाइनली ये मेरा बॉर्डर जो है वो मैंने क्लियर किया है। यहाँ पे थंब के पार्ट में आपको बहुत अच्छी अगर ग्रिड लाइन की डिज़ाइन आती है तो आप वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट ये इंडियन डिज़ाइन है तो इंडियन डिज़ाइन में थोड़ा फिलअप का ज़्यादा यूज़ होता है, सो मैंने फिलअप का यूज़ ज़्यादा किया है। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स आपकी जो स्कैल्प है वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, जितने आपके बड़े स्कैल्प होंगे वो फिनिशिंग उसमें अच्छी नहीं लगेगी। सो आप ट्राई करो कि कौन का जो पॉइंट है आपका जो पिन साइज़ है वो थोड़ा बारीक रहे। मेरा पिन साइज़ का कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अपने हिसाब से मतलब जो मुझे डिज़ाइन बनानी रहती है उसके हिसाब से मैं पिन साइज़ यूज़ करती हूँ। बट आप एकदम हो ज़्यादा मोटा भी आपको कौन यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा बारीक भी यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फिलअप कर रही हूँ, सर्कल के साथ मैंने स्केल्प यूज़ किए, फिर उसका भी वापस से मैं फिलअप स्टार्ट कर रही हूँ। साइड में मैंने लीव्स के साथ में कटवर्क का यूज़ किया है, सो कटवर्क के पार्ट को मैं डार्क बॉर्डर से हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे अगेन मैंने छोटे छोटे सर्कल का यूज़ किया है। ये सर्कल आपको बहुत आराम से बनाने हैं तभी उसमें आपकी जो फिनिशिंग है वो क्लियर आएगी। अगर आप थोड़ा सा फास्ट काम करोगे तो जो सर्कल है वो घिसे हुए आएंगे, सो आपकी डिज़ाइंस थोड़ी लाइट हो सकती है। तो ध्यान रहे कि आपको कौन उठा के ही चलाना है और आराम आराम से ही करना है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर पार्ट को हाईलाइट किया है। आप मैंने बॉर्डर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारे मैंने बॉर्डर बताए हैं। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट बॉर्डर यूज़ किया बिकॉज डार्क बॉर्डर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। इसके पहले जो मैंने सर्कल का यूज़ किया था वो लाइट डिज़ाइन थी, तो उसके बाद मैं ज़्यादा डार्क भी यूज़ नहीं करूँगी, ज़्यादा लाइट भी यूज़ नहीं करूँगी। डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर लाइट डिज़ाइन यूज़ करूँगी बिकॉज उसके ऊपर लोटस की जो डिज़ाइन है वो पूरे हैवी दिखने वाले हैं कटवर्क के हिसाब से। तो आपको डार्क पार्ट और लाइट पार्ट का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी डिज़ाइन के बाद कौन सी डिज़ाइन लेनी है। लाइट हमेशा पहले आएगा, उसके बाद ही डार्क पार्ट जो रहेगा वो हाईलाइट में यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बॉर्डर की डिज़ाइन में अगर दिक्कत हो रही है बनाने में कि ये बॉर्डर आपको नहीं आता है, तो मैंने ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है, सो आप उसको देख के इस बॉर्डर की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से मैं डार्क पार्ट को हाईलाइट कर रही हूँ, डार्क बॉर्डर यहाँ पे लिया है ताकि वो डिज़ाइन जो है मेरी अच्छे से हाईलाइट हो। इसके बाद मैंने जो इसके ऊपर लिए है वो लोटस की डिज़ाइन है, वो कटवर्क में यूज़ किए। कटवर्क में क्या है कि जो डिज़ाइंस है वो आपको ब्लैंक डिज़ाइन आपको फील खाली रखने रहते हैं, साइड में आपको जो रहता है बॉर्डर या जो भी डिज़ाइन है उसको हाईलाइट करके डार्क पार्ट में आपको उसको हाईलाइट करना रहता है। आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो, अगर आपका कटवर्क अंदर की डिज़ाइन में अगर आपका लाइट है तो आप साइड में डार्क कर सकते हो, या अंदर वाली जो डिज़ाइन है वो डार्क है तो आप साइड में लाइट कर सकते हो, आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डार्क पार्ट आज ज़्यादा यूज़ किया है।
सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप यू कि आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो।